आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। सातरोड गांव में पहुंचे हैं और अगर आप ये पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरे का पूरा एक काफिला जा रहा है। आप इधर ये देख भी सकते हैं, कमल का फूल है और भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ में गूंजता हुआ एक अलग ही एक नज़ारा है। और अगर आप पूरे का पूरा अगर आप ये काफिला अगर आप देख रहे हैं तो जय श्री राम के नारों से। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के हिसार लोकसभा के जो प्रत्याशी है रणजीत सिंह चौटाला, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। आप इस पूरे के पूरे अगर आप इस काफिले का देखेंगे, बड़ा एक लंबा एक ये जो पूरा एक जो जुलूस है वो बहुत लंबा है, लेकिन आप जो जोश है, हालांकि अभी जो है वो बिल्कुल दोपहर के 12:15 हो चुके। रणजीत चौटाला और ये गौतम सरदाना जो है वो यहाँ पहुँचे, रणजीत चौटाला यहाँ पहुँचे और ये देखिए पूरे का पूरा एक बड़ा एक काफिला जो है वो यहाँ पहुँचा है। बड़ा एक यूँ कहें कि जिसे एक जुलूस के तौर पर अभी जो इनको पूरा एक ये देखिए कितनी देर से जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार जो हैं वो चलती की चलती हुई आ रही हैं। अंदर चलेंगे और यहाँ लोगों से भी बात करेंगे कि कितना एक जो इस बार रहने वाला है कि इस बार जो जीत है वो कमल के फूल के ऊपर होने वाली है या कोई और भी कोई ऐसा कोई प्रत्याशी जो टक्कर दे सकता है। चलिए अंदर चलते हैं, काफिला बड़ा एक लंबा है लेकिन चलिए अंदर चलेंगे, वहाँ लोगों से भी बात करेंगे। जो हिसार लोकसभा से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, रणजीत सिंह जी यहाँ पहुँचे। बाबू जी नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। सातरोड में पहुँचे हैं जी, पूरे गांव में कमल ही कमल से लग रहे हैं यहाँ पे तो। एक तरफा इलेक्शन है जी, पूरा इलेक्शन सारे पूरे हिसार जिले में एक तरफा। कैसा लग रहा है जो 25 मई जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे जो है जीत जो कितनी नजदीक दिखती जा रही है? अच्छा बताओ, पहले वाला रिकॉर्ड टूटेगा, पिछले 4 दिन से बहुत उठाई लग रहा है, हर कोई आदमी साथ आ रहा है। नैना चौटाला पर उचाना हल्के में हमला हुआ, उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने कराया है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बुरा काम हुआ है, देखो मर्यादाएं होनी चाहिए, हमारे लिए देश की बहन बेटी सबसे बड़ी है, इस देश के संस्कार ऐसे रहे, जो आदमी जिसने भी ऐसा करा ऊंचा आदमी को गांव वालों को सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और उनके खिलाफ केस दर्ज करके एस आदमी को सजा मिले ताकि आइंदा ऐसा काम ना करे। बहुत गंदा काम है, बहुत सब मर्यादाएं तोड़ी है। 3 निर्दलीय विधायकों ने जो है वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि राज्यपाल को लेटर लिखा कि सरकार जो है वो अलपमत में है, आप क्या मानते हैं? कोई अलपमत में नहीं है, वो जो 3 गए, जैसे मैंने ज्वाइन करा तो पहले इस्तीफा दिया, उनकी मेंबरशिप भी चली गई, जो छोड़ के जाएगा उसकी मेंबरशिप नहीं रह सकती, स्पीकर तय करेगा और पहले ऐसे फैसले में उसमें मेंबरशिप चली जाती है, तो अगर उन्हें ऐसा सोचना तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए करें सरकार तैयार। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अगर सरकार की लड़ाई में साथ आती है तो हम उनका साथ देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि मेरे वाले तैयार, आप अपने 10 लेके आओ, क्या मानते हैं? चलो मैं नहीं मानता कि कहीं वो है, हुड्डा साहब तो रोज बयान देते हैं कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में आपस की लड़ाइयां नहीं हो रही, हुड्डा वर्सेस अदर पूरी कांग्रेस हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हुड्डा साहब इन हालात में जीतेंगे, अपनी सीट भी दिक्कत है। हिसार लोकसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि मोदी साहब को सहयोग करें, उनकी मोदी की गारंटी को सामने देख के देश के संपूर्ण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और हमारे प्रधानमंत्री का मजबूत नेतृत्व को बनाने में साथ दें, कमल के फूल पे वोट लगे। जैसा प्रेम आपको हांसी विधानसभा में मिला वैसे बरवाड़ा में कितना, अपन कौन सी यूं मानते हैं कि कौन सी ज्यादा जीत लेके आई? ये बरवाड़ा हल्के का, ये जाम खड़े ये बरवाड़ा हल्का है। हाँ बरवाड़ा हांसी सब में आदमपुर आपका भवानी खेड़ा नलवा इवन उचाना में भी, नारनौत में भी जीतेंगे, उकलाना में भी, सब नौ के नौ हल्कों में जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अजीत चौटाला जी थे लेकिन अगर आप हुजूम की अगर आप बात करेंगे देखिए कि किस प्रकार जो पब्लिक है, हालांकि गर्मी काफी है, महिलाओं की तादाद भी काफी है, देखिए हाथ उठा उठा कर और सभी जो है वो इस 100% मतदान करे, जो एक लोकतंत्र का जो एक पर्व है उस पर्व में जो है अपना अपना हिस्सा डालते हैं। गौतम सरदाना बोल रहे हैं, साथ ही साथ ये बरवाला विधानसभा है अगर आप, लेकिन अगर आप यहाँ का अगर आप देखेंगे तो आप उधर से देखिए कि जो पब्लिक है वो कैसे धूप में भी खड़े हैं, उधर अगर आप देखेंगे सामने वो जो लोग हैं वो धूप में खड़े हैं, उधर पीछे हैं, इधर आप महिलाएं अगर आप ये देख रहे हैं, महिलाओं की तादाद भी काफी एक बड़ी तादाद है और भारत माता की जय, जैसा हमने पहले भी देखा था कि भारत माता की जय के साथ में यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार जो है गौतम सरदाना जी मिल गए हैं, पसीने चल रहे हैं लेकिन मेहनत पूरी कर रखी। सरदाना जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बरवाला विधानसभा में पहुंच गए आवाज,
पूरा एक लंबा जुलूस निकला साथ में, कितना मानते हैं कि यहाँ कमल खिल के ही रहेगा? देखिए, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, ये बरवाला विधानसभा का क्षेत्र और नगर निगम का वार्ड नंबर 11 है, तो यहाँ हम जो है सभी बूथों में एक तरफा जीतेंगे। और मोदी जी के कार्यों पर आप देख रहे हैं कि कैसे आज सभी ने जो स्टैंप लगा दी है, कि सभी ने आज हमें कहा है कि हम एक तरफा यहाँ पोलिंग करेंगे। और निश्चित रूप से हम जो है बरवाला में पिछला रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे। किससे टक्कर मानते हैं? जयप्रकाश जेपी हैं, नैना सुनैना हैं, आप किससे टक्कर मानते हैं कि कमल की टक्कर किससे होने वाली है? आप चारों तरफ कैमरा घुमाएं और पूरे आप 7 करोड़ का सर्वे कर लें कि कहीं आपको इस हल्के में टक्कर नाम की चीज़ भी लगती। हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है, हमारा मुकाबला हमारे से ही है कि हम पिछली बार 3,30,000 से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कि नहीं, 30,000 से जीते थे, अब की बार हमने जो है मार्जिन और बढ़ाना है, तो हमारा मुकाबला पिछले मुकाबले से ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, 100% जीतेंगे और 10 की 10 लोकसभा हम हरियाणा में जीतेंगे और हिसार लोकसभा जो है सबसे बड़े मार्जिन से जीतेंगे। चलिए, और भी यहाँ कई लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी यहाँ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, बैठने का समय है ही नहीं सर, आए आए आए, कैसा लग रहा है आज यहाँ पहुँचे हैं? बरवाला विधानसभा का एरिया है, और देखिए इसे बरवाला नहीं पूरा हिंदुस्तान भगवा में है, हर जगह कमल ही कमल है और सबने ठाना है अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार हो जाएगा इस बार, क्यों नहीं होगा? और हर आदमी से आप पूछिए, उसको बेसिक सुविधाओं से लेकर देश को गौरवान्वित करने वाले सब कामों में मोदी जी ने एक गरीब की भी सुनी है और देश के को गौरवान्वित भी किया है, तो हमें इससे बेहतर तो प्रधानमंत्री मिल ही नहीं सकता। तो हर युवा ने, हर बुजुर्ग ने, माता बहनों सब ने ठाना है इस बार फिर से मोदी सरकार को ही लाना है, कमल के फूल पे ही बटन दबाना जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख भी सकते हैं कि बड़ा एक जबरदस्त जो यहाँ का माहौल है वो हो रहा है, गर्मी काफी है, लेकिन उस गर्मी में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं और पुरुष लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए, आप क्या मानते हैं, मेरी इस वीडियो से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या इस बार कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होने वाली है या कोई और भी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे रही है? आप क्या मानते हैं कॉमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। मेरा नाम मुकेश माही, आप देख रहे हैं सिटी फर्स्ट न्यूज, यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।